एक जंगल में सुआ और सारी दोनों खुशी खुशी रहते थे। सारी को बच्चा होने वाला था, इसलिए दोनों बहुत ही खुश थे। सारी ने सुआ को बोला, और सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है, हम दोनों बाप और माँ बन जाएंगे। सुआ ने बोला, हाँ सारी, तुम ठीक कह रहे हो, मैं बाप और तुम माँ बन जाओगी। सुआ ने सारी को प्यार से पूछा, सारी हमारा तो दोनों अंडा है, इसमें से अगर एक लड़का और एक लड़की हुआ तो तुम उसका नाम क्या रखोगे? अरे सुनो, अगर लड़का हुआ तो मैं उसको मेरे लाल कह के बुलाऊंगी। तुम लड़की का सोच लो, आखिर लड़की जो पापा की प्यारी होती है। तुम ठीक कह रहे हो, आखिर लड़की जो पापा की पोरी होता है, मैं लड़की का नाम परी रखूंगा। अच्छा ठीक है सारी, मैं अब खाना ढूंढने के लिए निकलता हूँ, तुम अंडा का ध्यान रखना। ये बोल के सुआ खाना ढूंढने के लिए उड़ गया। सारी घोंसला में रह के अंडा का ध्यान रख रहा था। उसी समय एक सांप खाना ढूंढते हुए उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सांप ने पेड़ का ऊपर सुआ सारी का घोंसला देखा और वो उसी पेड़ का ऊपर चढ़ गया। सांप ने सारी को देख के बोला, ये सही समय है, अभी सुआ भी नहीं है, सारी अकेला है, सारी को धमका के उसका अंडा खा लेता हूँ। ये सोचकर सांप सारी को और बढ़ने लगा। सारी सांप को अपने ओर आते हुए देखकर बोला, वहीं पे रुक जाओ, आगे मत आओ सांप। सुनो सारी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप वो अंडा मेरे को दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। सारी ने बोला, नहीं नहीं सांप, दोनों को ही छोड़ दो, मैं पहली बार माँ बनने जा रहा हूँ, मैं कब से इस अंडे का ध्यान रख रहा था, दया करके हम दोनों को छोड़ दो। इसी समय सुआ खाना लेकर अपने दोस्त के साथ लौट रहा था। सुआ सारी को मुसीबत में देख के अपने दोस्त के साथ मिलकर सांप का ऊपर हमला कर दिया। सांप डर के मारे वहां से भाग निकला और जाते हुए बोला, मैं देख लूंगा तुम लोग को। सुआ और उसका दोस्त सारी के पास जाकर बैठे। सुआ का दोस्त पिंटू ने बोला, तुम लोग ये घोंसला को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तुम तो जानते हो पिंटू, अब बारिश का दिन आने वाला है, इसी समय हम अंडे को लेके कहाँ जाएं? अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घोंसले के पास एक बड़ा पेड़ है, हम उसी पेड़ में तुम्हारा रहने के लिए घोंसला बना देते हैं। सुआ ने बोला, ठीक है, यही करेंगे। पिंटू और सुआ दोनों मिलके पेड़ खोदने वाला पक्षी के पास उड़ गए। कटोर भाई, आपको एक पेड़ खोद के घोंसला बनाना है, अगर आप ये काम कर दिए उसके बदले में आप हम खाना ला देंगे। ये बात सुन के पेड़ खोदने वाला पक्षी वो दोनों को बाद में राजी हो गया और पेड़ के पास घोंसला खोदने के लिए चला गया। सुआ प्रत्येक दिन कुछ खाना पेड़ खोदने वाला पक्षी को लेके देता था। देखते देखते कुछ ही दिनों में पेड़ खोदने वाला पक्षी घोंसला बना के तैयार कर दिया। उसके बाद सुआ और सारी घोंसले में रहने के लिए अंडा लेके चले आए। घोंसले में सुआ और सारी दोनों खुशी खुशी रहने लगे।